एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस्पायर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट क्या होता है, टीईटी क्या होता है, कौन से लोग इसे दे सकते हैं, इसको देने के बाद जॉब कैसे ले सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसके बाद हम लोग सीटेट से रिलेटेड एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो सीटेट में डिफरेंट सेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सेक्शन पर अलग अलग वीडियोस लाएंगे हम अपने चैनल पर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानते हैं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये CBSE ऑर्गेनाइज करती है। ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। सीटेट के साथ साथ डिफरेंट स्टेट जो है वो भी अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, जिनको TET बोलते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग TET होता है। जैसे अगर बिहार में हो रहा है तो उसे BTET बोलेंगे, यूपी में हो रहा है तो UP TET बोलेंगे, ऐसे करके हैं सारे स्टेट का। तो TET क्यों लिया जाता है? जितने भी लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग की है उसमें एक फिल्टर लगाकर एलिजिबल टीचर्स को चुनने के लिए ये TET एग्ज़ाम लिया जाता है। 2011 में ये शुरू हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि सीटेट पहले पेन पेपर मोड में होता था, OMR शीट दी जाती थी, आंसर्स को फिल करना होता था, लेकिन अब इसे कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है, अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो सेंट्रल TET का जो एग्ज़ाम होता है वो दो पेपर्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी के टीचर्स के लिए होता है, पेपर 2 6 to 10 के टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, अब पैटर्न की बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितने सवाल होते हैं। जैसा मैंने बताया कि दो पेपर्स में होते हैं, पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो पहले 1 की बात करते हैं। 1 में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, समय आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और जो मार्क्स होंगे वो भी 150 होंगे। क्वेश्चन एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 टोटल मार्क्स, 2.5 घंटे टाइम और 150 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बटे हैं, तो इसमें 5 सेक्शंस हैं। पेपर 1 की बात हो रही है, 5 सेक्शंस हैं। कौन कौन से? पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जिन लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग की है उनको ये पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है। ठीक है, दूसरा है लैंग्वेज 1, उसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है। तीसरा है लैंग्वेज 2, उसमें आपको फिर से एक लैंग्वेज चूज करना है। चौथा होता है मैथमेटिक्स और 5th है इन्वायरमेंटल साइंस। पेपर 1 की बात हो रही है। ये जो आपने 5 सेक्शंस देखे, इन 5ों सेक्शन में 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 150। मार्क्स कितना? 150। समय कितना है? 2.5 घंटा। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में कितने सेक्शंस हैं? पेपर 2 में 4 सेक्शंस। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये हमने देखा था ना, ये पेपर 1 में भी था। तो पेपर 2 में भी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और उसके बाद है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। अब ये सब्जेक्ट कंसर्न नया चीज़ है, इसमें क्या है? इसमें ये है कि आपने जो सब्जेक्ट पीछे पढ़ा है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए मैथ साइंस होगा ये, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो आपके लिए ये सोशल साइंस होगा। ठीक है, अब ये 4 सेक्शंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बटे हैं? CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चंस और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, मतलब आपका मैथ साइंस या सोशल साइंस है, इसमें 60 क्वेश्चंस। चारों सेक्शन को मिला के 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और समय 2.5 घंटा। दोनों के लिए समय 2.5 घंटा ही है। 150 मार्क्स में पहले से सेट किया गया है कि 60% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड समझे जाएंगे। तो ये था एग्जाम का पैटर्न। आखिर कौन से लोग हैं जो TET को, सेंट्रल TET को दे सकते हैं? क्या सारे लोग दे सकते हैं TET? जितने लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं TET के लिए? तो नहीं, CTET या TET के लिए सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट की गई है। तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? पहला है कि आपका अकेडमिक्स मतलब आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरा, कोई ट्रेनिंग कोर्स, टीचर्स ट्रेनिंग का कोई कोर्स, चाहे तो डिप्लोमा DED, DLED या फिर कोई ग्रेजुएशन BA BED, BSc BED या BED, ये आपने किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल TET के लिए। पेपर 1 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी? मिनिमम एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं।
पेपर वन के लिए आपने 12th किया हुआ है, साथ में आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है ट्रेनिंग का, या फिर डीएड या फिर डीएलएड, तो आप पेपर वन के लिए एप्लीकेबल हैं। पेपर टू के लिए क्या है? पेपर टू के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, या फिर आप बीए बीएड करके भी, बीएससी बीएड करके भी, जो 4 साल का कोर्स है जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी होता है और साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है, अगर वो भी कोर्स आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर टू के लिए। और कुछ परसेंटेज भी फिक्स की गई है, पेपर वन में आपका प्लस टू में कम से कम मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए और पेपर टू में ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए या फिर डिफरेंट स्टेट टीटी के लिए। चलिए, तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की, अब बात आती है कि क्या सीटेट देने के बाद जॉब मिल जाती है, और जॉब अगर मिलती है तो कैसे मिलती है। तो जॉब मिलती है वो दो लेवल्स की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत सारे, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, तो इन संगठन का अपना एक एग्जाम होता है, लेकिन उस एग्जाम के लिए ये एलिजिबिलिटी में रखा जाता है कि आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इन स्कूल्स में परमानेंट टीचर बनने के लिए। ठीक है, इन स्कूल्स में कॉन्ट्रेक्चुअल भी टीचर्स रखे जाते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, तो उसके लिए है कि आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए और बाद में एक स्कूल इंटरव्यू लेती है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स बन सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई सेंट्रल लेवल पे। अब स्टेट लेवल पे कैसे जॉब होगा, तो स्टेट लेवल पे जैसा मैंने बताया कि सारे स्टेट अपना एक टीटी लेते हैं और कुछ नहीं भी लेते हैं, तो जो नहीं लेते हैं वो सेंट्रल वाले एग्जाम को ही, यानी सीटेट को ही वैलिड मानते हैं अपने स्टेट में और उसी के बेसिस पर यहाँ रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे बिहार में भी माना जाता है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में इसके अलावा एक एग्जाम लिया जाता है कि आप सेंट्रल टीईटी तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्टेट का एग्जाम होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप स्टेट में टीचर्स बन सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन ही गए, लेकिन आप में एलिजिबिलिटी आ गई, आप टीचर बनने लायक हो गए। इसके पासिंग परसेंटेज का भी बात कर ले, मैंने बताया कि ये एग्जाम 150 मार्क्स का होता है और इसमें 60% रखा गया है पासिंग परसेंटेज, यानी 90 मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने के लिए, ये जनरल के लिए है। और ओबीसी के लिए 55% है, मतलब अप्रॉक्स 83 मार्क्स आपको लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके बाद हम सीटेट से रिलेटेड जो मैंने सेक्शंस आपको बताए पेपर वन के और पेपर टू के, उन सेक्शंस के अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियो हम लाएंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।